हेलो दोस्तों, तो मेरे चैनल में आपका फिर स्वागत है। तो टुडे आई एम कमिंग विद अगेन अमलगामेशन। तो अमलगामेशन एक इम्पॉर्टेंट सम है कॉरपोरेट अकाउंटिंग के लिए, तभी मैंने एक सेकंड सम भी अमलगामेशन का ही लिया है। तो आई वांट टू डिस्कस विद द प्रॉब्लम। तो मेरे पास सम नंबर 8 है, जो हमारी वीडियो में है, जो हमारी स्क्रीन में अवेलेबल है। अब इसको मैं सॉल्व करना चाहता हूँ विद द प्रॉब्लम। अब यहाँ पे हम वेंडर बुक्स की कंपनी के अकाउंट में भी हम सॉल्व करेंगे और परचेजिंग बुक्स में भी एंट्री करेंगे। तो ये मेरे पास 8 नंबर सम है और यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों अमलगामेशन। तो मैं यहाँ पे अमलगामेशन का सम, इसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, दैट इज़ अमलगामेशन अकाउंटिंग। तो ये कॉरपोरेट अकाउंटिंग का इम्पॉर्टेंट सम है। यहाँ पे मैंने पहले भी लास्ट वीडियो में हमने कहा था, देयर आर टू टाइप्स ऑफ पार्टीज़। वन इज़ वेंडर कंपनी। सबसे पहले हमें पहचान करनी है वेंडर कंपनी कौन सी है, फिर हमें पहचान करनी है परचेजिंग कंपनी कौन सी है। तो दो हमारी कंपनी होती हैं और यहाँ पे जो वेंडर कंपनी है उसने परचेज कंसिडरेशन रिसीव करनी है, दैट हैज़ टू रिसीव द परचेज कंसिडरेशन। तो यहाँ पे हम सम कर रहे हैं, तो यहाँ पे वेंडर है। अब यहाँ पे लिखा है मैसेज आनंद एंड कंपनी। अगर हम चेक करें तो यहाँ पे मैसेज आनंद एंड कंपनी अपने बिजनेस को सेल करना चाहती है। तो जो सेलर कंपनी है दैट इज़ ए वेंडर कंपनी, जो परचेजिंग कंपनी है वो हमारे पास है मैसेज प्रेम एंड कंपनी। अब इन्होंने कैसे पे करना है, तो दोस्तों मैं इसको अब सोल्यूशन कर रहा हूँ। पहला हमारा जो स्टेप होता है, इट इज़ अवर सम नंबर 8। तो ये हमारी 8 नंबर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। अब यहाँ पे हम मेंशन करते हैं सोल्यूशन। तो सोल्यूशन में दोस्तों पहला पॉइंट आता है, दैट इज़ रिगार्डिंग परचेज कंसिडरेशन। तो हमें सबसे पहले अपनी परचेज कंसिडरेशन करनी है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ वर्किंग नोट में, हमारा पहला काम होगा परचेज कंसिडरेशन, ये हमें देनी होती है, दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट कैलकुलेशन। तो दोस्तों पहला हमें परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट करनी है। अगर यही रॉन्ग हो जाती है तो हमें एग्जामिनेशन में कोई भी मार्क्स नहीं मिलेगा। तो परचेज कंसिडरेशन के हमें बड़ा के लिए हमें केयरफुल रहना पड़ता है। अब यहाँ इस सम में अगर आप देखोगे, अब कहते हैं प्रेम एंड कंपनी ने उनको 6 लाख कैश में देना है और रिमेनिंग उनको शेयर देने हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं परचेज कंसिडरेशन का ये मेथड होगा, दैट विल बी नेट पेमेंट मेथड। इसको हम कहते हैं नेट पेमेंट मेथड, जहाँ पे हमें पेमेंट का मोड क्लियरली लिखा हो। अब ये नेट पेमेंट है, वो कहते हैं 6 लाख के हमें कैश मिलेगा। तो यहाँ पे वेंडर को क्या मिलेगा, 6 लाख रुपये, 6 लाख रुपीज़, दैट विल बी इन कैश। उसके बाद कहते हैं शेयर में मिलेगा। अब यहाँ पे अगर सम को देखा जाए, वो कहते हैं हमने अलॉट करने हैं 2 फुली पेड शेयर ऑफ 6 ईच, जिसकी मार्केट वैल्यू 7.50 है, उन्होंने पे करने फॉर एवरी 3 शेयर हेल्ड। अगर हमारे 3 शेयर हेल्ड हैं तो यहाँ पे हम वर्किंग नोट बनाते हैं, इफ़ 3 शेयर्स आर हेल्ड, अगर 3 शेयर हेल्ड हैं तो कंपनी ने शेयर इशू कितने करने हैं, 2 शेयर्स। अगर 1 होगा तो क्या होगा, 2/3। अब इनकी प्रेजेंट कैपिटल कितनी है, अब इनकी प्रेजेंट कैपिटल है 1,20,000, ये शेयर में है। तो इसका मतलब नंबर ऑफ शेयर कितने होने चाहिए पीसी में। तो सबसे पहले हमने शेयर देखे, ये आएंगे 80,000 शेयर्स। अब शेयर की वैल्यू भी देखनी है। अब सब में दोस्तों देखना, यहाँ पे लिखा है 6 का 1 शेयर है, लेकिन जिसकी मार्केट वैल्यू है 7.50, हमें मल्टीप्लाई करना होता है दोस्तों मार्केट वैल्यू से। तो हमें कंफ्यूज नहीं होना, जहाँ पे हमें प्राइस भी हो और मार्केट वैल्यू भी हो, हमें पार वैल्यू नहीं लेनी, हमें मार्केट वैल्यू, क्योंकि आज हम परचेज करें तो वहाँ पर मार्केट वैल्यू ही काम आएगी। तो यहाँ पे हम लेंगे मार्केट वैल्यू। तो इसका मतलब है हमारी शेयर की
जो परचेज होगी वो भी 6 लाख ही होगी। तो हमारी दो तरह की पीसी हैं, यहाँ पे कैश में पे किया जा रहा है, एक शेयर में पे किया जा रहा है, क्योंकि इसका अमाउंट भी हमारे पास 6 लाख ही बनता है। तो ये हमने वर्किंग नोट बनाया और यहाँ पे परचेज कंसीडरेशन जो एक वेंडर को मिलेगी, जो एक विक्रेता को मिलेगी, सेलर को मिलेगी, कौन देगा? परचेजर देगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं परचेज कंसीडरेशन होगी 12 लाख। तो पहला सोल्यूशन हमारे क्वेश्चन नंबर 8 का यही होगा जो मैंने एग्जांपल लिया अमलगामेशन सॉल्व करने के लिए, एंड इट इज़ माय सेकंड वीडियो। तो ये मेरी सेकंड वीडियो है अमलगामेशन की। तो यहाँ पे हम कर रहे हैं नेट पेमेंट मेथड। तो यहाँ पे जो कैश लिखा है कैश मिलेगा, उसके बाद शेयर की हमने कैलकुलेशन कर ली है, अगर हेल्ड होते हैं तो उसको हम लेफ्ट हैंड साइड रखते हैं, जो इशू किया जा रहा है वो राइट। तो ऐसे हमने वर्किंग नोट बनाया। तो हमारे पास 6 लाख के शेयर भी आ गए और पीसी बनती है परचेज कंसीडरेशन, यहाँ पे बन रही है 12 लाख। तो यहाँ पे मैसेज आनंद एंड कंपनी बेच के जा रही है, तो वेंडर आनंद एंड कंपनी होगी और प्रेम एंड कंपनी हमारी परचेजर होगी। तो दोस्तों अब ये जो बैलेंस शीट है ये आनंद की गिवन है और इसको हमें क्लोज करना बुक वैल्यू पे। तो अब हम आते हैं, पहले हमने परचेज कंसीडरेशन कैलकुलेट कर ली, ये आपके सामने है। अब सेकेंड में अगला स्टेप इसमें होता है जर्नल एंट्रीज। अब हम करेंगे जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ, अब यहाँ पे करते हैं इन द बुक्स ऑफ आनंद एंड कंपनी। तो आनंद एंड कंपनी हमारी यहाँ पे वेंडर कंपनी है, तो हमें वेंडर कंपनी की बुक्स में एंट्री करनी है। तो मैंने पहले भी दोस्तों जैसे बताया था कि हम वेंडर कंपनी की बुक्स में एंट्री करते हैं और जो वेंडर की बैलेंस शीट है उसको बुक वैल्यू पे क्लोज किया जाता है। तो यहाँ पे हमें सारी एसेट को बुक वैल्यू पे क्लोज करना है। तो दोस्तों अगर मैं टोटल एसेट देखूँ तो यहाँ पे मुझे टोटल एसेट गिवन है जिसमें कोई भी प्रिलिमिनरी एक्सपेंस नहीं मिले। अब नोट कर लेना, जहाँ पे प्रिलिमिनरी एक्सपेंस होंगे वो शेयर कैपिटल के अगेंस्ट होते हैं, वो एसेट नहीं होती। तो इसका मतलब यहाँ पे पूरी एसेट ही है, तो इसको हम बुक वैल्यू पे क्लोज कर सकते हैं। अब दोस्तों मैं पहली एंट्री करने वाला हूँ, ये हमारा वेंडर एंड कंपनी की बुक्स में होती हैं। अब यहाँ पे आएगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड, क्योंकि कोई भी अगर कंपनी क्लोज होती है तो रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट होगा, टू एसेट्स अकाउंट। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने इकट्ठी एसेट डाल दी हैं, वैसे आपने एग्ज़ाम में इसको इंडिविजुअली मेंशन करना है, हम अलग अलग मेंशन करेंगे, यहाँ शॉर्टकट में मैंने टोटल एसेट इकट्ठी डाल दी हैं। और इसका टोटल होगा, यहाँ पे हमारे पास टोटल आ रहा है 1246668। तो ये हमने टोटल एसेट को क्लोज किया, पहला स्टेप है बुक वैल्यू पे एसेट को क्लोज करना। मैं यहाँ पे नरेशन भी लिख रहा हूँ अगेन ताकि हमारे दोस्त पढ़ लेंगे। तो यहाँ पे हम करते हैं, तो यहाँ पे हमारी क्लोजिंग होती है, तो इसमें हम लिख रहे हैं यहाँ पे क्लोजिंग ऑफ, अब यहाँ पे लिखते हैं क्लोजिंग ऑफ ऑल एसेट्स, ये हमारी वेंडर कंपनी की बुक्स में होती हैं एट बुक वैल्यू। तो हमें नोट करना है कि ये बुक वैल्यू पे क्लोज होते हैं जो बैलेंस शीट हमें गिवन है। अब सिमिलरली दोस्तों मैंने लायबिलिटीज़ को भी करना है, लायबिलिटी में मुझे ओनली यहाँ पे दिखाई दे रहा है ट्रेड क्रेडिटर, क्योंकि हमारे जो शेयर कैपिटल हैं या रिजर्व है ये शेयर होल्डर फंड में जाएगा। अभी हमें लायबिलिटी आउटसाइड लायबिलिटी को क्लोज करना है, वो है ट्रेड क्रेडिटर। तो सेकेंड एंट्री मैं यहाँ पर करूँगा ट्रेड क्रेडिटर, ये क्योंकि यहाँ पे ओनली एक ही लायबिलिटी है, तो ट्रेड क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन। तो दोस्तों हमने ये ट्रेड क्रेडिटर को भी क्लोज कर लिया और ये आएगा 127,500। तो यहाँ पे हम नरेशन लिख सकते हैं क्लोजिंग ऑफ लायबिलिटीज, है ना, लायबिलिटीज एट बुक वैल्यू। तो ये भी दोस्तों हमारी लायबिलिटी को हम क्लोज कर रहे हैं बुक वैल्यू पे जो हमारे वेंडर की बैलेंस शीट में गिवन है, तो ये भी हमने क्लोज कर लिया। अब थर्ड स्टेप होता है वो हमारा होता है परचेजिंग कंपनी से हमें अपनी पीसी ड्यू करना। अब यहाँ पे परचेजिंग कंपनी है प्रेम एंड कंपनी, क्योंकि इस समय हमारे पास है प्रेम एंड कंपनी परचेजिंग है, उसको डेटर बनाओ टू रियलाइजेशन। अब यहाँ पे हम उनसे पीसी ले रहे हैं,
टू रियलाइजेशन और उसका अमाउंट है 12 लाख। तो ये हमारे पास है 12 लाख, क्योंकि हमने पीसी ड्यू की हुई है और उसका अमाउंट हमने कैश और शेयर में 6 लाख कैलकुलेट किया था, ये हमने किया हुआ है। 12 लाख हमारी पीसी है, ये मैंने पीसी को ड्यू किया। अब इसका नरेशन हम लिखेंगे बीइंग परचेज कंसीडरेशन। अब यहाँ पे हम कहते हैं बीइंग परचेज कंसीडरेशन ड्यू। अब हमने ड्यू कर ली जो हमें रिसीव करनी है अपने परचेजर से, तो ये बुक्स ऑफ हम वेंडर की कर रहे हैं आनंद एंड कंपनी। अब उन्होंने उसको रिसीव भी कर लिया। अब जब रिसीव करेंगे तो दोस्तों हम यहाँ पे रिसीव कर लेते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में हमारी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिटेड, जिसको आप बैंक भी कह सकते हो। शेयर्स, अब हमें कैश की फॉर्म में मिला, शेयर की फॉर्म में मिला। टू, अब हम किसे ले रहे हैं, प्रेम एंड कंपनी, वही अमाउंट जो हमने पीसी का ड्यू किया। 6 लाख हमारा कैश है, 6 लाख हमारे शेयर हैं और प्रेम एंड कंपनी गिवर है 12 लाख। तो यहाँ पे हम ले सकते हैं बीइंग परचेज कंसीडरेशन। अब यहाँ पे हम कहते हैं परचेज कंसीडरेशन रिसीव्ड। अब ये पहले हमने ड्यू किया, फिर हमने रिसीव कर लिए 12 लाख, जैसे हमारे सामने है, तो हमने पीसी को रिसीव कर लिया। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक हमने किया। उसके बाद अगर आप सम देखोगे तो यहाँ पे हमने इतना कर लिया। अब लास्ट मुझे ये एडजस्टमेंट एंट्री है, आनंद एंड कंपनी ने रियलाइजेशन एक्सपेंस पे किए 9000। अब उन्होंने 9000 के रियलाइजेशन के खर्चे पे किए, तो जब वेंडर पे कंपनी करती है तो हम एंट्री करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड। अब ये हमारे लिक्विडेशन के एक्सपेंसेस हैं और यहाँ पे आएगा टू बैंक, क्योंकि ये बैंक भी हो सकता है, इसको मैं ओब्लीक कर देता हूँ। यहाँ पे कैश भी हो सकता है, बैंक भी हो सकता है, तो हम करेंगे टू बैंक या कैश और 9000 ये हमें गिवन है, ये वेंडर कंपनी ने बीइंग। अब यहाँ पे आएगा लिक्विडेशन एक्सपेंसेस पेड। अब ये पे किए वेंडर ने, तो ये भी हमने नोट कर लिया 9000। अब यहाँ तक हमारे पास है दोस्तों। अब अगला स्टेप जो होता है वो होता है हमारा रियलाइजेशन अकाउंट का, तो मैं इसको मिड में ही बना रहा हूँ। वैसे हम इसको वर्किंग नोट में भी बना सकते हैं, आप चाहो तो इसको मिडल में भी बना सकते हो। अब यहाँ पे हम बनाते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। अब देखना चाहते हैं कि हमारा प्रॉफिट हुआ कंपनी को कि लॉस हुआ, तो यहाँ पे एंट्री मुझे करनी है टू एसेट्स। अब जो जो हुआ है यहाँ पे हम करेंगे 1246668 और यहाँ पे आएगा बाय लाइबिलिटीज़। अब लाइबिलिटीज़ जो क्रेडिटर थे वो थे यहाँ पे 1,27,500, उसके बाद थी पीसी प्रेम एंड कंपनी से जो हमने ड्यू की वो थी 12 लाख, उसके बाद इन्होंने खर्च भी दिया टू कैश, कितना दिया 9000, ये उनके एक्सपेंसेस थे। तो यहाँ पे हमारी लाइबिलिटी क्लोज है, यहाँ पीसी ड्यू है, यहाँ एक्सपेंस है, ये एसेट क्लोज है। तो दोस्तों अब हमारी जो हमारा क्रेडिट साइड है वो एक्सीड करेगा, तो यहाँ पे आपका टोटल बनेगा, ये हमारा बनेगा 1,327,500, ये क्रेडिट में होगा, डेबिट में कम होगा, तो यहाँ पे हम प्रॉफिट ले सकते हैं। तो ये होगा प्रॉफिट। अब प्रॉफिट का आंसर होगा 71,832, ये होगी बैलेंसिंग फिगर। तो यहाँ पे दोस्तों हमने रियलाइजेशन बना दिया। अब ये हमारा वेंडर की बुक्स में बन रहा है, तो ये वेंडर को प्रॉफिट हुआ है 71,832। अगर हम इसका टोटल मिलाएंगे तो ये हमारा मैच करेगा, क्योंकि यहाँ पे क्रेडिट एक्सीड कर रही है, डेबिट कम है, तो हमारा प्रॉफिट होगा। तो ये प्रॉफिट आया। अब इस प्रॉफिट की एंट्री वेंडर कंपनी क्या करेगी, अब हम देखना चाहते हैं वेंडर कंपनी क्या करेगी। अब यहाँ पे हम करते हैं, ये बनेगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो दोस्तों ये मनी होती है इक्विटी शेयर होल्डर्स की, जो भी प्रॉफिट होता है, और यहाँ पे प्रॉफिट हुआ 71,832। अगर हम अकाउंट बनाते हैं तो ये चेक करेंगे, तो यहाँ पे आएगा बीइंग प्रॉफिट, ये हमने ट्रांसफ़र कर दिया, ट्रांसफ़र टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो अब हमने इक्विटी शेयर होल्डर को ये प्रॉफिट
ट्रांसफ़र कर दिया, यहाँ तक हमने कर दिया। अब हमारी बारी रह गई जो रिमेनिंग लायबिलिटी के पॉइंट हैं, जिसको हम शेयर कैपिटल भी कहते हैं, उनको भी हम क्लोज करेंगे। अब हम कर रहे हैं इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, अब हम उनको क्लोज करते हैं। उसके बाद हमारे पास है रिज़र्व फंड, दोस्तों अब हमने रिज़र्व फंड को भी क्लोज किया जो रिमेनिंग बैलेंस है। उसके बाद है स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, इसको कई बार हम ऐसे लिखते हैं स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट डेबिटेड टू ESH, ये भी उनको बेनिफिट मिलेगा, जिसको हम कहते हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स, इनकी फुल फॉर्म है, इनको हमें देना है। अब 7,20,000 की कैपिटल है, उसके बाद 3,60,000 का रिज़र्व फंड है, उसके बाद हमारे पास 39,168 की हमारे पी एंड एल हैं, और ये हमने ट्रांसफ़र कर दिया, और इसका टोटल बनेगा 10,80,000, यहाँ पे 39 CA, तो दोस्तों यहाँ पे बनेगा 11,19,168 रुपये, तो ये हमने ट्रांसफ़र कर दिया। ये किसको ट्रांसफ़र करना होता है? अपने इक्विटी शेयर होल्डर को, वेंडर अपने इक्विटी शेयर होल्डर को ट्रांसफ़र करके जा रही है, बिकॉज दैट कंपनी इज़ बीइंग लिक्विडेटेड वाउंड अप, वो कंपनी जा रही है। तो यहाँ तक हमने कर दिया, तो ये बना हमारा 1080 यहाँ तक, और 39, तो ये बनेगा हमारा 1080 39, और ये बनेगा हमारा 11,19,168। अब यहाँ पे हमें बनाना है दोस्तों, अगला मेरा स्टेप होगा, यहाँ पे हम बनाएंगे इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट। अब मैं बना रहा हूँ इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट, अब यहाँ पे हम ओपन करते हैं और चेक करते हैं कि हमारा कितना देना बनता है शेयर होल्डर को। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं, सबसे पहले मैंने प्रॉफिट देना है, और ये आएगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट, तो दोस्तों यहाँ पे हम लिखते हैं रियलाइजेशन, और ये होगा 71832। उसके बाद होगी बाय इक्विटी शेयर कैपिटल, अब हमने कितनी दी है कैपिटल, 7,20,000। उसके बाद हमने रिज़र्व फंड भी क्रेडिट किया, और ये है हमारा 3,60,000। उसके बाद हमने एक और भी ट्रांसफ़र किया जिसको कहते हैं पी एंड एल, और ये आएगा 39,168। एक हमने यहाँ पे डेबिट भी, अब यहाँ पे डेबिट कुछ भी नहीं है दोस्तों, ये हमारा टोटल है। अगर हम इसका टोटल बनाएं तो अब हमें देखना है कितना बनेगा, तो यहाँ पे बनता है 8, 2, 10, 10, और ये भी 10, 9, 1, 10, यहाँ पे होगा 10 और 1, 11, और 3, 1, 4, 4, यहाँ पे होगा 4, 6, 10, 7, 17, और यहाँ पे हमारा टोटल होगा दोस्तों, ये बनेगा 11,91,000, ये हमारा टोटल आएगा। अगर हम टोटल करें यहाँ पे, तो ये बनता है 11,91,000, तो इसको अगर हम दोबारा भी कर लें यही बनेगा, तो ये बनता है, ये बन रहा है हमारा यहाँ तक 9, 1, 10, उसके बाद 7, 1, 8, 2, 10, 10, 6, 16, 3, 19, ये बनता है 11,91,000। अब हमें इनको पे करना है, तो दोस्तों आप देखोगे, एक तो हमें शेयर की फॉर्म में मिले थे 6 लाख, एक तो हम वो दे के जाएंगे। अब यहाँ पे हमारे पास कैश में कितना रह गया, कैश भी दोस्तों हमारे पास इतना ही है, जो है 591,000, क्योंकि हमें 6 लाख PC का मिला था दोस्तों, इसमें वेंडर ने 9,000 जो है ना स्पेंड कर दिया था अपने लिक्विडेशन एक्सपेंसेस के लिए, तो नेट जितना बचा होगा ये सारा अमाउंट हमारे शेयर होल्डर को जाएगा, और यही हमारे क्वेश्चन का सिग्नल होगा कि वी आर डूइंग राइट। तो उतना ही अमाउंट हमारे पास अवेलेबल है जो हमें उनको पे करके जाना है। तो यहाँ पे हमें एक ध्यान देना है, एक हमें पर्टिकुलर्स अमाउंट में ज़रूर लिखने हैं अकाउंट जब भी बनाएंगे, तो यहाँ भी पर्टिकुलर्स, और यहाँ पे अमाउंट होगा, डेबिट क्रेडिट होगा। अब सिमिलरली मैंने एक अकाउंट पहले भी बनाया था, उसमें भी हमें ज़रूर लिखना है रियलाइजेशन अकाउंट में, तो यहाँ भी हमें पर्टिकुलर्स अमाउंट। तो दोस्तों ये हमारी एंट्रियाँ बनती हैं वेंडर में, तो ये हमारे स्टेप हैं। तो उतना अमाउंट हमारे पास बना जो हमें पे करके जाना है, और इसकी एंट्री मैं यहाँ पे कर सकता हूँ इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिटेड, वही हमें पीसी मिली हुई है, उतना ही हमें पेमेंट करने का अमाउंट निकलेगा, और यहाँ पे हम लिखेंगे टू शेयर्स
टू यहाँ पे लिखते हैं कैश। अब कैश कितना देंगे 591, क्योंकि इतना ही बचा है उनके पास, 6 लाख के उनको शेयर मिले थे, टोटल हमारा इतना ही बनेगा 11,91,000। तो दोस्तों ये हमारी वेंडर की बुक्स में बनता है, यहाँ तक मैंने वेंडर की बुक्स की। अब हमें परचेजर की बुक्स में भी करना, तो ये हमारे स्टेप होंगे। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करते जाना है, और हमें एंट्री देखनी है, और हमें अकाउंट भी बनाने हैं। तो दोस्तों अब इसके साथ मैं अब ये करता हूँ, अब हम करते हैं बुक्स ऑफ, अब परचेजर की बुक्स में भी एंट्री देख लें, अब हम करते हैं बुक्स ऑफ प्रेम एंड कंपनी। तो बिल्कुल सिंपल एंट्री यहाँ पे होती है, ये हमारी है परचेजिंग कंपनी, परचेजिंग कंपनी, और इसको हम बैलेंस शीट भी इसकी बना सकते हैं एट लास्ट। अब प्रेम ने ख़रीदा, जब ख़रीदा तो उसकी पहली एंट्री यहाँ पे होगी बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिटेड। अब यहाँ पे आएगा बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिटेड टू वेंडर ऑफ, यहाँ पे लिखेंगे वेंडर ऑफ मैसेज आनंद एंड कंपनी। अब आनंद एंड कंपनी को पहले क्रेडिटर बनाया जा रहा है। अब यहाँ पे कितनी परचेज कंसीडरेशन है, अब हमारा आंसर था 12 लाख, क्योंकि पहला काम हमने पीसी को कैलकुलेशन का ही ड्यू किया था। तो इसमें भी हम नरेशन ले सकते हैं, बीइंग बिजनेस परचेज हमने किया फॉर, कितने का लिया कंपनी को परचेज किया 12 लाख रुपीज़। तो ये हमारे परचेजर की बुक्स में है। अब क्या होगा, जो उसने एसेट्स लिए हैं, जो उन्होंने दी हैं और जो उन्होंने लिए हैं, अब उन्होंने दी थी एसेट बुक वैल्यू पे, अब यहाँ पे कोई रिवाइज्ड वैल्यू नहीं है। दोस्तों अगर रिवाइज्ड वैल्यू होती है तो हम परचेजिंग कंपनी में रिवाइज्ड वैल्यू लेते हैं, अगर नो रिवाइज्ड वैल्यू तो हम बुक वैल्यू पे ही उन्होंने दी हैं, हम बुक वैल्यू पे ही लेंगे। अब यहाँ पे आएगा एसेट्स अकाउंट डेबिटेड, तो हमारी बुक वैल्यू है यहाँ पे, क्योंकि बिकॉज देयर इज़ ए नो रिवाइज्ड वैल्यू, नहीं तो हम रिवाइज लेते हैं परचेजिंग में, अब यहाँ पे हम बुक वैल्यू लेंगे। याद रखना यहां पे हम ले रहे हैं बुक वैल्यू, बिकॉज रिवाइज्ड वैल्यू, अब मैं यहां पे लिख रहा हूं रिवाइज्ड वैल्यू इज नॉट गिवन, अगर नहीं है तो हमें बुक वैल्यू पे ही एसेट को लेना है परचेजर में। अब यहां पे आएगा टू लाइबिलिटीज, अब लाइबिलिटी कितनी है दोस्तों, ये है 1,27,500, और यहां पे हम करते हैं टू बिजनेस परचेज। अब हम देखते हैं बिजनेस परचेज कितना है, वो हमारा है 12 लाख, अब यहाँ पे बिजनेस परचेज है 12 लाख। अब जो डिफरेंस होगा वो यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों गुडविल, अगर क्रेडिट एस्पेक्ट मेरा इंक्रीज करता है, ये बनता है 13,27,500, तो अगर मेरी क्रेडिट साइड ज़्यादा होती है डेबिट कम होती है, तो देखते हैं हमारा कितना बनता है, 13,27,500 में हमने लेस किया 12,46,668, तो ये आएगा 9,63, ये 8, तो यहाँ पे आएगा, और ये होगा यहाँ पे होगा 14,68, ये होगा 10,82,963, यहाँ पे आएगा 14,680, और ये बनेगा, ये बनता है 8,832, तो ये हमारा बनता है यहाँ पे, तो 8,832 इसको हम कहेंगे गुडविल, क्योंकि जो बैलेंस होगा इसको हम गुडविल कहते हैं, इसको आप कह सकते हो बैलेंसिंग फिगर। तो यहाँ पे हमें एसेट लेनी है, जितनी एसेट टेक ओवर की। अब यहाँ पे लाइबिलिटी कितनी है, लाइबिलिटी इनकी यही है क्रेडिटर, उसके बाद हमने बिजनेस परचेज को पुट करना है, अगर क्रेडिट साइड एक्सीड करती है तो गुडविल आ जाएगी, अगर डेबिट एक्सीड करेगी तो यहाँ पे हम कैपिटल रिजर्व भी ले सकते हैं। तो ये हमारा गुडविल का आंसर निकला है, क्योंकि क्रेडिट हमारी एक्सीड कर रही है। तो ये एंट्री भी आप दोस्तों ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे गुडविल भी आ जाती है। अब मुझे पे करना है, अब हम पे करेंगे, तो पे करोगे तो यहाँ पे आएगा आनंद एंड कंपनी अकाउंट डेबिटेड। अब हम कर रहे हैं आनंद एंड कंपनी अकाउंट डेबिटेड, पे कर रहे हैं 12 लाख, अब कंपनी पे कर रही है टू कैश, अब कैश में उन्होंने 6 लाख के शेयर दिए, और यहाँ पे हम देंगे शेयर कैपिटल, क्योंकि इनके लिए लाइबिलिटी हो जाएगी 6 लाख, तो बीइंग पेमेंट मेड टू आनंद एंड कंपनी। अब हम बनाएंगे बैलेंस शीट, अब बना के देखना चाहते हैं बैलेंस शीट ऑफ प्रेम एंड कंपनी। कंप्लीट करने के लिए दोस्तों हमें बैलेंस शीट भी बनानी है, अब पुरानी बैलेंस शीट हमें गिवन नहीं है। अब यहाँ पे उनकी लाइबिलिटी कितनी है, अब उनकी पहली लाइबिलिटी है शेयर कैपिटल, ये उन्होंने दिया 6 लाख, उसके बाद उन्होंने दिया कैश,
तो ये तो हमारा बाद भी आएगा, पहले हम शेयर दिए उसके बाद उन्होंने लाइबिलिटी कौन सी ली है। अब उन्होंने लाइबिलिटी उनकी ली है क्रेडिटर, पहले हम क्रेडिटर पुट कर लें। अब यहाँ पे आएंगे सेंड्री क्रेडिटर, ये होगा 127,500। उसके बाद इन्होंने एक और लाइबिलिटी ली है जो उनको कैश दिया। अब कैश इनके पास अपना पुराना है नहीं है, हम इसको बैंक ओवरड्राफ्ट मान लेते हैं, जो कैश में दिया इन्होंने लोन लेके दिया होगा, और ये आएगा 6,00,000। तो ये टोटल बनेगा इनका 13,27,500, ये हमारी लाइबिलिटी हैं। अब हम देखते हैं एसेट। अब यहाँ पे एसेट दोस्तों इधर ही हमारी वर्टिकल में एसेट हैं 12,46,668, और यहाँ पे गुडविल भी है क्योंकि हमने गुडविल एंट्री यहाँ पे बनाई है, गुडविल बनती है जो उन्होंने बैलेंस फिगर है वो है 8,832। अगर आप इसका टोटल करोगे ये भी हमारा 13,27,500 ही बनेगा। अब यहाँ पे हम कह सकते हैं अमाउंट हैं, ये हमारे रुपीज़ हैं, ये हमारे पर्टिकुलर्स हैं। तो इस तरह हमने परचेजिंग कंपनी की बुक्स में बैलेंस शीट भी बना दी है, और हमने सारी तीन एंट्री हमारी जनरली होती हैं, पहले बिजनेस परचेज की, फिर एसेट टेकन ओवर की, थर्ड हमारी पेमेंट की, उसके बाद हमने बैलेंस शीट बनाई है। तो ये क्वेश्चन दोस्तों मैंने सॉल्व किया, आप सारे इसके स्टेप देखोगे कैसे हमने किया, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। अमलगामेशन इज़ ए वेरी सिंपल, तो दोस्तों ये बहुत सिंपल है, इसको हम मुश्किल ना समझें। केवल हमें ध्यान देना है कि हम इसकी पीसी को कैसे कैलकुलेट करते हैं, पीसी शुड बी केयर्ड। तो पहला काम है हमें परचेज कंसीडरेशन का ध्यान देना है कि कैसे हम पीसी को कैलकुलेट करेंगे। अगर हमारी पीसी राइट है इट मींस आवर सम इज़ राइट, तो हमें सबसे पहले पीसी देखनी। तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मोर से मोर ज़्यादा इसको लाइक करें, शेयर करें, ताकि हमारे और जो प्यारे दोस्त हैं उनको भी अमलगामेशन क्लियर हो। तो दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो फॉर एनकरेजमेंट। मैं और भी बहुत सम करना चाहता हूँ अमलगामेशन के, फॉर एवरी सब्जेक्ट I want to continue. तो every topic I want to continue. Thank you very much.